What? बहुत है। हाँ जी, किधर? क्या किधर? कहाँ गई थी? बाहर लॉन में। वजह? बात करनी थी। किसे? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? जारा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, पहले भी समझाया था कि सानिया से दूर रहा करो। पहले भी सारे मसले उसी की वजह से हुए, अब भी जो कुछ हो रहा है ना, इस सब के फसाद की जड़ जो है ना, वो सानिया है। क्यों? वो फसाद की जड़ कैसे हो गई? देखो, फसाद की जड़ ऐसे कि ना वो पैदा होती, ना हमारी बचपन में बात पक्की होती, ना ये सब होता। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो ना पैदा होती तो तुम्हारी शादी खानदान की किसी और लड़की के साथ हो जाती, जो के पैदा होती, तो ये मसला उसका नहीं बल्कि ये मसला तुम्हारे खानदान का है, तो इसलिए उस बेचारी को ब्लेम मत करो। बेचारी कहाँ से हो गई? वो तुम भूल गए हो, जो कुछ तुमने फेस किया है, जितने मसले तुम्हारे सामने आए हैं, तुमने फेस किए, वो सब उसकी वजह से, और बेचारी होगी वो अचानक से। जो कुछ मैंने फेस किया है, जो मसले मैंने सहे ना, वो उसकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से किए हैं। अपनी नाअहली को किसी और के ऊपर मत डालो। मेरी वजह से? ये जो तुम्हारा कंफ्यूज एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से। हद हो गई यार। हद ही हो गई है। कंफ्यूज तो नहीं हूं मैं। बंटी जी बोले। एक बात करनी है मुझे। बोले। देखो सच सच बताना मुझे। सानिया बाजी झूठ वो बोलता है जो डरता है, और बंटी किसी से भी नहीं डरता, इसलिए हमेशा सच बोलता है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा बताओ ना, मुझसे पहले इब्बी की जिंदगी में कोई लड़की थी? मुझसे पहले क्या मतलब? आप उनकी जिंदगी में कब आई? सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है कि इब्बी की जिंदगी में पहले कोई लड़की थी? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो मुझसे। आपको किसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम ही तो कहते हो तुम्हें हर चीज का पता होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हें कुछ पता ही ना हो? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। वैसे आप ये बात क्यों पूछ रही हैं? कल ना इब्बी एक लड़की के साथ गाड़ी में आया था। मुझे जब से टेंशन लगी है कि वो लड़की कौन है। अच्छा सानिया बाजी, मुझे जो ना एक काम है, मैं आता हूँ। अच्छा तुम जाओ, मगर कुछ पता चले तो मुझे लाजमी बता देना। तो नहीं कौन होगी वो लड़की, पता भी नहीं चल रहा।